Assalamu alaikum and I hope everyone is fine. In our today's video, we are going to discuss about animal and plant tissues. First of all, we should know that what are tissues. Actually, tissues are group of cells which perform familiar functions. Tissues जो है वो group of cells होते हैं. We are familiar with the levels of structural organization of life and recognize tissue as a group of similar cells specialized for the performance of common function. कहा जाता है कि हमें पता है कि जो levels हैं structural organization के, उसमें जो tissue है हम उसे कहते हैं कि ये similar cell से मिलके बनता है जो कि एक common function perform करता है. So ये tissue की जो है वो basic definition है. सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.5.1, दैट इज एनिमल टिश्यूज. अब एनिमल टिश्यूज के बहुत से टाइप्स हैं, लाइक ब्लड बोन टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेट्रा. इनकी जो मेजर कैटेगरीज हैं दैट आर एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे स्किन के स्किन लेयर के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मसल टिश्यूज हैं और नर्वस टिश्यूज हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या है. एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो हमारी बॉडी की आउटसाइड को कवर करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, और यहाँ पे जो ऑर्गन्स और कैविटीज हैं उनको लाइन अप करते हैं. जो सेल द सेल्स इन द टिश्यूज आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब आप यहाँ देखें ये जो सेल्स हैं इस टिश्यूज में वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं. इस टिश्यू की बहुत सी टाइप्स हैं, उनके शेप्स के हिसाब से और उनके नंबर्स के हिसाब से और उनके लेयर्स के हिसाब से कि मतलब कितनी तादाद में जो है वो सेल लेयर्स मौजूद हैं. ये अब आप देखें यहाँ पे है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कोलोमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम. यहाँ पे इनकी शेप और साइज भी दिखाया गया है कि हर जो है वो एक से डिफरेंट है. अब सबसे पहली जो टाइप है दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो उसमें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं, मतलब सिंगल लेयर और फ्लैट चिपटे से सेल्स होते हैं और ये पाए जाते हैं हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में और हमारी ब्लड वेसल्स में, जहाँ पे ये अलाउ करते हैं मूवमेंट की मटेरियल की मूवमेंट को. उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसमें भी सिंगल लेयर होती है लेकिन जो सेल्स की शेप होती है दैट इज क्यूब टाइप. ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये क्यूब टाइप के जो है वो सेल्स होते हैं, शेप्ड होती है इनकी, और ये किडनी ट्यूब्स में और हमारे स्मॉल ग्लैंड्स में पाई जाती है जहाँ पे ये करते हैं अपनी सिक्रीशन. जो थर्ड टाइप है इसकी दैट इज कोलोमनर एपिथेलियम. ये एलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये लंबे लंबे से टिश्यूज हैं और ये हमारे एलिमेंट्री ग्रान लाइक जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह हैं वहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद एसोफेगस वगैरह में पाए जाते हैं और ये गाल ब्लैडर में पाए जाते हैं जो हमारा पित्ता होता है और ये भी सिक्रीशन करते हैं. उसके बाद है फोर्थ सिलिएटेड कोलोमिनर एपिथीलियम. ये भी एलोंगेटेड होते हैं और लेकिन इनमें जो है एक स्ट्रक्चर होता है बालनुमा जिसे हम कहते हैं सीलिया. आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंशन है. ये हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में मौजूद होते हैं. ट्रैकिया जो हमारी सांस की नाली है और ये प्रोपेल करते हैं म्यूकस लिक्विड को. नेक्स्ट है उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ये स्ट्रिप्स की तरह होते हैं, इनमें बहुत सी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की. आप यहाँ देख सकते हैं ये एक दो तीन किस तरह से कितनी मिलियंस ऑफ लेयर्स हैं फ्लैट सेल्स की. ये हमारे एसोफेगस, माउथ और पूरे स्किन पर मौजूद होते हैं और ये इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन करते हैं. देन है कनेक्टिव टिश्यूज. आप यहाँ देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो किस तरह के नजर आते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. इनका फंक्शन होता है कि ये सपोर्ट करते हैं और जोड़े रखते हैं, बाइंड रखते हैं टिश्यूज को. जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये मतलब कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज की तरह बिल्कुल भी नहीं है. जैसे एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो ये एक दूसरे के साथ बाइंडेड होते हैं.
अब कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं टिश्यूज की, कि जो कॉमन एग्जाम्पल्स है टिश्यूज की वो है कार्टिलेज, जैसे हमारी कान की जो नरम हड्डी होती है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। उसके अलावा जो है ये बोन्स की एंड पे पाए जाते हैं, और एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रैकिया एक्सेट्रा, ब्लड वगैरह में ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो एडिपोज टिश्यूज हैं, जो हमारे किडनी और स्किन के अंदर या हमारे पेट के जो हिस्से में पाए जाते हैं, ये भी टाइप होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, और ये एनर्जी और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऑर्गन्स को। ये हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ये हमारी स्किन है, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है स्किन की। उसके बाद ये कार्टिलेज है, ये बोन है, बोन टिश्यूज हैं, ये एडिपोज टिश्यूज हैं, और ये हमारे ब्लड टिश्यूज हैं। जो कार्टिलेज होते हैं आप देखें ये किस तरह के, ये नरम नरम से होते हैं। बोन सेल्स जो हैं ये सर्कुलर में होते हैं, इनके अंदर हार्ड मैट्रिक्स होते हैं क्योंकि हड्डियाँ जो हैं वो हमारी मजबूत होती हैं, सख्त होती हैं। उसके बाद ब्लड सेल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इनके अंदर प्लाज्मा भी मौजूद होता है लिक्विड ही। और जो एडिपोज टिश्यूज हैं, जो स्किन सेल्स हमारे किडनी में मौजूद हैं एक्सेट्रा, यहाँ इनके अंदर न्यूक्लियस भी है, और यहाँ पे फैट से मोटे मोटे से जो है वो ड्रॉपलेट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज में जो है वो लंबे लंबे से, लॉन्ग लॉन्ग से बंडल्स होते हैं मसल फाइबर्स के। ये बहुत ही अबंडेंट टिश्यूज हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। इन टिश्यूज में जो है वो ये काबिलियत होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकें। थ्री टाइप्स के मसल टिश्यूज होते हैं। पहला है कार्डियक मसल जो दिल में पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारे गोश्त में पाए जाते हैं, और स्मूथ मसल सेल्स जो हमारे स्टमक वगैरह में, लिवर वगैरह में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स क्या हैं। स्केलेटल मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ये स्ट्रिएटेड होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिप्स बनी होती हैं लंबी लंबी सी, और इनमें न्यूक्लियाई भी मौजूद होता है। ये हमारी हड्डियों की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन है स्मूथ मसल्स जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारे यूरिनरी ब्लैडर, हमारे ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। ये स्मूथ होते हैं, इनमें जो है वो स्ट्रिएटेड नहीं होती, मतलब ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, और इनके अंदर भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए। देन कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट के वॉल में मौजूद होते हैं, इनके जो सेल्स हैं वो भी स्ट्रिएटेड होते हैं, लेकिन इनमें एक ही न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है हर सेल में, और ये हमारी हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नोट दैट द स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी होते हैं एक्शन में, मतलब वो हम अपनी विश से जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्डियक मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी हैं, ये हमारी विश और विल से नहीं होते, दिल की धड़कन या जो हार्ट की मूवमेंट है वो खुद ब खुद होती है, वो हमारे अंडर नहीं होती। वॉलंटरी ऐसे एक्शन को कहते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर सकें, इनवॉलंटरी ऐसे एक्शन को कहते हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। देन है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज होते हैं। ये टिश्यूज जो हैं ये नर्व सेल से मिलके बनते हैं और न्यूरॉन से मिलके बनते हैं, जो कि मैसेज कंडक्ट करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चूंटी ने आपके हाथ पे काटा है, तो ये मैसेज फटाफट जो है वो नर्व सेल्स आपके ब्रेन को, और फिर ब्रेन आपके हाथ की स्किन तक जो है वो पहुंचाएगा, और आप वहां पे देखेंगे कि क्या हुआ है। सो ये मैसेज को कंडक्ट रिसेप्ट करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद नर्वस टिश्यूज जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं। दीज आर नर्वस टिश्यूज। ये मसल्स टिश्यूज, एपिथेलियल बोन, कार्टिलेज, ब्लड एक्सेट्रा, ये पूरी पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। Thank you so much for watching the video. I hope you have understood all the tissues and their types and their functions.